अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? अभी हम खानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं जी, और हमारा जो सफ़र है वो इस्लामाबाद की तरफ, हमने जाना है इस्लामाबाद। और अभी हम खानपुर डैम के बिल्कुल करीब हैं और अभी हम जा रहे हैं खानपुर की तरफ। और अभी हम पहुँचे हैं जी खानपुर के करीब। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मोबाइल का व्यू। ये मोबाइल का व्यू है, देखें ये नज़र आ रहे होंगे रोड। अभी आप इस रोड के ऊपर है, ये खानपुर रोड है, बहुत ही प्यारी रोड है। आप भी इस पर सफ़र कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिन चाहे आप इसमें सफ़र कर सकते हैं बिल्कुल। अभी हमारा जो सफ़र खानपुर का रह गया है वो जस्ट 8 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर के बाद आपको जो है ना मैं खानपुर डैम की सैर करवाऊँगा। खानपुर डैम जो है, आने के लिए आपको एबटाबाद से 1.5 किलोमीटर का 1.5 घंटे का सफ़र है। और आपको खानपुर पिंडी से आने के लिए आपका 1 घंटे का सफ़र है। अभी हम खानपुर से थोड़ा सा पीछे हैं, ये जगह है खुई नाड़ा। हम खुई नाड़ा के करीब पहुँच जाएंगे। अभी खुई नाड़ा जो है ना, खुई नाड़ा के हम बिल्कुल करीब हैं। खुई नाड़ा के बाद जो है ना खानपुर डैम आपको नज़र आएगा। आज जो मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त साकम साहब आज मेरे साथ हैं। हमारा आज का सफ़र इस्लामाबाद में बैठा है जी, हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं इस्लामाबाद। अभी ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मेरे साथ, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी हम खानपुर जो है खानपुर डैम से जस्ट 5 किलोमीटर की ड्राइव पर है। 5 किलोमीटर खानपुर डैम से 5 मिनट की ड्राइव पर है। अभी मैं आपको फिर इसकी रोड की कंडीशन आपको बताऊँगा। सबसे मज़े की बात है ना आज के सफ़र में, जो मज़े की बात है, वैसे पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग आज। एक तो मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में हमारा सफ़र भी अच्छा जा रहा है। अभी तक बहुत अच्छा सफ़र है और हम इसलिए इस ड्यूटी रोड को हमने अटैच किया है। खानपुर को टेक्सला म्यूजियम को अटैच करेंगे, फिर आगे आगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो अभी हम लोग खानपुर के बिल्कुल करीब हैं। अच्छा जी, तो अब हम ये आगे हैं जी, देखें ये आपको खानपुर डैम के करीब पहुँचाएँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा यूनिक एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये इनका बिल्कुल यहाँ से अंदर रास्ता जाता है। आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये, वो यहाँ का मज़ा आ जाएगा आपको। आप आएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे आप, और बहुत इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं खानपुर डैम है, ठीक है। और ये बिल्कुल हम खानपुर डैम के करीब पहुँच जाएँ, खानपुर डैम से बिल्कुल करीब है। ये आपको खानपुर डैम नज़र आ रहा होगा। अभी हमारी गाड़ी जो है ना खानपुर डैम की तरफ जा, बिल्कुल हम लोग ये हम खानपुर डैम के बिल्कुल करीब है। और मज़े की आपको बात बताऊं, आजकल पानी खानपुर डैम की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें इसकी जो सतह है बहुत ज़्यादा, पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। पहले तो बहुत ज़्यादा पानी नीचे होता था तो पार्किंग वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अब जगह कम हो गई है, पानी ज़्यादा हो गया है। और आजकल क्योंकि ठंड का मौसम है, बर्फ़ पिघलती है, पिघलने की वजह से तो पानी की सतह भी ज़्यादा हो गई है। और इसमें यह है कि सेफ्टी है, अब जब भी किश्ती पे बैठते हैं तो आपके लिए सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आपकी जान बड़ी कीमती है, आप जब भी आएँ पहले अपने बच्चों के साथ अपने साथ सेफ्टी करें, उसके बाद किश्ती में बैठें। क्योंकि इससे पहले भी जो हादसा हुए हैं वो लोगों की जो है ना ज़बरदस्ती की वजह से हो जाते हैं। अपने लिए सेफ्टी करें, सेफ्टी करके आप जो है ना उसको करें। अब मैं आपको
मैंने आपको पहुंचा दिया जी खानपुर डैम। ये आ गया जी खानपुर डैम। खानपुर डैम आपको नज़र आ रहा होगा, ये खानपुर डैम, ये खानपुर डैम। हाँ हाँ हाँ, किश्तियाँ देखें, किश्तियाँ, मज़ा आ जाएगा आपको। किश्तियाँ नज़र आ रही होंगी, ये किश्तियाँ हैं, तो ये TMA की पार्किंग है, ये खानपुर डैम है, और देखें कितना पानी चढ़ा हुआ। ओहो हो, वो किश्ती आ रही है इतने दूर से, ये किश्तियाँ ही किश्तियाँ, किश्तियों के ढेर लगे हुए, हर तरह की मोटरसाइकिल वाली किश्ती आपको मिलेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको बड़ी किश्ती, फैमिली वाली किश्ती, एक 40-50 बंदे उस पर बैठ सकते हैं। उसके बाद इसकी पार्क है, पार्किंग का एरिया, ये देखें ये पार्किंग का एरिया है, ठीक है। आपको इस साइड पे मैं दिखाता हूँ, इस साइड पे पूरी एक लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद अगर आप कोई बंदा कहे मैंने नहाना है, ये आर्मी वालों का स्पोर्ट्स सेंटर है यहाँ पे, यहाँ पे आके आप गर्मियों के मौसम में, अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड है, तो आज का तो नहाने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आजकल बिल्कुल आप नहाना है, लेकिन गर्मियों में जब भी आप आए आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। या ज़्यादातर तो बेस्ट टाइम इसका जो होता है वो शाम का होता है, शाम के टाइम आए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ से एक और व्यू दिखाता हूँ, बहुत मज़े का, ये चरारों के दरख्त देखें, आहा हा, मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह के दरख्त मिलेंगे बैठने की मिलेगा। और खानपुर का मशहूर मशहूर रेड ब्लैक शकरी मौसमी माल्टे वाले, आहा हा, जब भी आए ये माल्टा आप ज़रूर लें, माल्टा खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से आपको माल्टा मिलेगा, लकाट मिलेगी, माल्टा मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो खानपुर बाज़ार है। अभी हम खानपुर, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है अब कोई भी मस्त है, यहाँ पे CNG, ये खानपुर बाज़ार, बिल्कुल हम खानपुर पर TMA, खानपुर, ये खानपुर बाज़ार है, यहाँ कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, आपको आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और अपने आप ख़ुद भी आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, और उसके साथ ही आप जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, तो इस इंशाल्लाह आपके साथ करते हैं। और आपको मैं एक और मज़े की चीज़ बताने जा रहा हूँ जी, दूल्हा, दूल्हा मियाँ, ये खानपुर की जो है ना, ये खानपुर का यहाँ पे रिवाज है, दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तो वो इस तरह जाता है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये दूल्हा जा रहा है, ये वो क्या कहते हैं उसको, हीरा घोड़े पे जा रहा है दूल्हा, और घोड़ा गाड़ी, ये शादी हाल है, शादी हाल में ये जा रहा है जी, वो देखें नज़र आ रहा होगा आपको, ये दूल्हा जा रहा है, यानी रोशन मैरिज हाल में दूल्हा इंटर हो गया जी। तो इसी व्लॉग के साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें आपके, मेरी आप मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, आपको मैं बहुत प्यारे प्यारे मकामात की सैर, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करवाऊँगा। इसी के साथ फेम विलास को इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।